कल्चर की तरह इस साल भी मैं कुछ नया करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो देख कर लोगों को अच्छा लगेगा। ये एज ए सिटीजनशिप हिसाब है लोगों को लिए गिफ्ट है कि देख कर अच्छा लगे। इस साल दो मूर्ति मैंने कंप्लीट किया है अभी तक, जो धुबरी में डिस्प्ले होगा। एक बोतम से बना हुआ है और एक इलेक्ट्रिकल जो कॉपर वायर इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है जो वेस्ट पार्ट में जाता है उससे बना है, जिसमें प्राय 47 किलो कॉपर वायर यूज़ हुआ है। और जो बोतम से बना है वह 1.5 से 2 लाख बोतम यूज़ करके एक मूर्ति बनाया है जो हमारे धुबरी शहर में 3 नंबर वार्ड का विवेकानंद क्लब पूजा कमेटी में डिस्प्ले होगा। इसका ओपनिंग होगा 9 तारीख को और तामा का जो मूर्ति है वो ओपनिंग होगा 8 तारीख को इवनिंग को, जो हमारा धुबरी का मार्केट व्यवसायी समिति पूजा पंडाल है वहाँ पर। जो दो मूर्ति बनाने में तामा का वायर का जो मूर्ति है वो बनाने में लगभग 8 महीना के ऊपर टाइम लगा और बोतम का 4 महीना से ऊपर टाइम लग गया, क्योंकि मैं एक नौकरी करता हूँ तो दिन के टाइम में टाइम नहीं मिलता। रात में जब 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद 3-4 घंटा जो पर्सनल टाइम मिलता है उसी से मैं काम ये आगे बढ़ा रहता हूँ हॉबी के हिसाब से। आप सोसाइटी में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप वेस्ट मटेरियल से मतलब आइडल बना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट 6-7 सालों से मैं वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर जगह में जब भी काम पे जाता हूँ, काफ़ी गांव या शहर में भी एनवायरनमेंट के ऊपर अवेयरनेस काम हो, इस वजह से अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और सब मिल के एक गोट हो के रिसाइकल प्रोसीडिंग्स और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे ताकि हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहे। इस वजह से ये मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने मैंने स्टाइल से, जो लोगों को देख के अच्छा भी लगेगा और सोचने में भी मंजूर हो जाएगा कि वैसे भी इतना कुछ बन सकता है कि 2020 साल में और 2021 साल में आपका आइडल के लिए आपको प्रेस्किप भी किया, हाँ। किया गया था, क्या किया? जैसे कि हर साल एक तो अवार्ड मिलता है वो ऊपर वाले के दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो कोविशील्ड एम्पेल और इंजेक्शन से जब मैंने मूर्ति बनाया था तो कमला अवार्ड मिला था, उसके ऊपर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से भी अवार्ड मिला था, जो मेरे लिए काफ़ी प्राउड फील होता है इसके लिए। आपका अल्टीमेट एम क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा कुछ? हाँ ऐसा तो है, तो कुछ कुछ जगह में नॉमिनेशन मिला है, देखते हैं आगे क्या होता है।